आप भगवत गीता के कैसे प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं? पहली चीज तो ये, आप बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, आप कंटेंट क्रिएटर हो, फोटोग्राफर, आप सिक्योरिटी गार्ड हो, हर व्यक्ति विशेष को धर्म से जुड़ना ही पड़ता है। वो चाहे उसका जितना बड़ा परिश्रम उस हिसाब से उसकी धार्मिक आस्था रही होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, बिजनेस टाइकून है ये मेरा एक जिंदगी का, क्या बोलते हैं, जिससे मेरा दाल रोटी चल रहा है, जिससे मैं लोगों को रोजगार दे पा रहा हूँ, जिससे मैं और ज्यादा वेल्थ बढ़ा पा रहा हूँ, लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ। पर दूसरी चीज, ये सब चीज करने के लिए जो आत्म शांति चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, सामाजिक ज्ञान चाहिए, महत्वाकांक्षी बनने के लिए जो ज्ञान चाहिए, लोगों को परखना, लोगों की सुनना, लोगों की समझना, इतिहास को पढ़ना, अतीत के नींव पर भविष्य का निर्माण करना, इन सब के लिए कोई एक समाधान अगर है, वन स्टॉप सॉल्यूशन टू ऑल दिस प्रॉब्लम्स, इस भगवान, इस स्पिरिचुअलिटी, इस गीता, इस रामायण। हिंदू धर्म के व्यक्ति लोग डरते हैं अपने धर्म की बात करें, वो बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, कोई आर्टिस्ट हो, इंडिविजुअल हो, क्योंकि उसको घबराहट होती है। बाकी किसी भी धर्म के लोग देखो, वो कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, अगर वो रोड साइड पे सिक्योरिटी गार्ड से लेके किसी देश का प्राइम मिनिस्टर भी होगा, वो अपने धर्म की बातें हर दिन करेंगे, रखेगा, और अच्छी भी बात है, वो अपने धर्म के प्रति जितना का काम कर रहा है, अपने धर्म को आगे लग रहा है, तो हम क्यों नहीं रखें, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये ना भी रखने से कोई मेरा बिजनेस खत्म नहीं हो रहा है, ना बढ़ रहा है। ये एक ऐसी चीज है जो आपके आत्मसम्मान, स्वाभिमान और आत्मज्ञान के लिए बहुत जरूरी। दूसरी चीज, कई ऐसे सवाल होते हैं कट्टर साहब, जिसका जिंदगी भर हम लोग सोचते हैं इसका उत्तर क्या है, इसका समाधान क्या है, इस उलझन से कैसे सुलझे। कभी कभी आप 10 मिनट गीता पढ़ लीजिए, कभी कभी 10 मिनट भजन कर लीजिए, माला फेर लीजिए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे।